खबर सीकर के दाता रामगढ़ से है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। ये घटना गोड़ियावास गांव की है, जहां पूर्ण सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ रहता था और मंगलवार रात को पूर्ण सिंह का 9 साल का बेटा योगेंद्र मकान के बाहर तारबंदी के पास खेल रहा था कि इसी दौरान 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन टूटकर लोहे की एंगल पर आ गिरी। इससे योगेंद्र करंट की चपेट में आ गया। वहीं बेटे को बचाने आई सुमन कंवर भी करंट की चपेट में आ गई और इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को दाता CSC की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीण भारी संख्या में CSC पहुंचे और विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रात को वायर की वजह से दुर्घटना हो गई, महिला और बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष है, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए जल्दी दिला देंगे। पूरी फॉर्मेलिटीज की जा रही है, जल्दी 1 लाख निगम की तरफ से हैं। एक्सचेंज साहब इन्होंने 5-5 लाख रुपए अलग अलग ग्राउंड्स में वो भी इन्होंने 15 दिन के अंदर घर पे जाके चेक करने का आश्वासन दिया। जल्दी देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।